Discuss the question number 6 of exercise 6.2. What is the question? In the figure PQ and RS are two mirrors placed parallel to each other. PQ and RS दो प्लेन मिरर हैं जो एक दूसरे के पैरेलल हैं. PQ पैरेलल टू RS. An incident ray AB strike the mirror PQ at B. एक इंसिडेंट रे आती है ए बी पी क्यू मिरर को बी पर स्ट्राइक करती है. द रिफ्लेक्टेड रे मूव्स अलोंग द पाथ बी सी. यहां से रिफ्लेक्ट हो गए ये बी सी के जाती है. बी सी मिरर आर एस से रिफ्लेक्ट स्ट्राइक करती है सी पर और रिफ्लेक्ट हो जाती है सी डी. प्रूव दैट ए बी पैरेलल टू सीधे हमें प्रूव करना है ए बी पैरेलल टू सीधे. हमें प्रूव करना है कि ए बी सीधी के पैरेलल होगा. इसमें हम कंस्ट्रक्शन करेंगे और क्या कंस्ट्रक्शन करेंगे. हम दो लाइन ड्रॉ करेंगे. दिस एंड दिस ये है बी ई इसको मान लिया हमने सी. कंस्ट्रक्शन करेंगे हम ड्रॉ इसके परपेंडिकुलर मिरर के परपेंडिकुलर. ड्रॉ ए परपेंडिकुलर टू पी क्यू एंड सी एफ परपेंडिकुलर टू आर एस. हमने बी ई को ड्रॉ किया पी क्यू के परपेंडिकुलर और सी एफ को ड्रॉ किया आर एस के परपेंडिकुलर. इसको हम मान लेंगे एंगल वन इसको एंगल टू इसको एंगल थ्री और इसको एंगल फोर. देखो ये दोनों परपेंडिकुलर हैं ये मिरर पैरेलल हैं ये दोनों परपेंडिकुलर हैं तो ये दोनों आपस में पैरेलल होंगे. तो लिखेंगे बी ई पैरेलल टू सी एफ. हम लिखेंगे क्योंकि पी क्यू पैरेलल टू आर एस पी क्यू आर एस के पैरेलल है एंड फ्रॉम फर्स्ट फर्स्ट से ए ए पी क्यू के परपेंडिकुलर है सी एफ आर एस के परपेंडिकुलर है और पी क्यू आर एस दोनों कैसे हैं पैरेलल हैं. अब यहां से देखेंगे हमने लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन पढ़े हैं. लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन क्या होता है एंगल ऑफ इंसिडेंस इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन. हमने ये परपेंडिकुलर ड्रॉ किया और जो परपेंडिकुलर होता है वो क्या होता है नॉर्मल. तो ये इंसिडेंट रे होगा ये नॉर्मल हो गया तो एंगल ऑफ इंसिडेंस एंगल बिटवीन द इंसिडेंट रे एंड द नॉर्मल एंगल ऑफ इंसिडेंस. ये रिफ्लेक्टेड रे हो गई तो क्या हो गया एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन क्या बनेगा एंगल बिटवीन द रिफ्लेक्टेड रे एंड द नॉर्मल. रिफ्लेक्टेड रे और नॉर्मल के बीच में जो एंगल बनता है वो होता है एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन. इंसिडेंट रे और नॉर्मल के साथ जो एंगल बनता है दैट इज एंगल ऑफ इंसिडेंस. तो हम कह सकते हैं एंगल थ्री इक्वल्स टू एंगल फोर और हम यहां पे लिखे हैं एंगल फोर इक्वल्स टू एंगल थ्री. एंगल फोर कैसा है इंसिडेंस यहां लिखेंगे एंगल ऑफ इंसिडेंस इक्वल्स टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन. इसे मान लेंगे इक्वेशन टू. अब कहेंगे एंगल वन इक्वल्स टू एंगल टू इक्वेशन थ्री रीजन सेम रहेगा. रीजन सेम रहेगा क्योंकि देखो ये इंसिडेंट रे यहां से आई यहां से रिफ्लेक्ट हुई यहां आ गई. अब इस मिरर के लिए ये इंसिडेंट रे हो गई और ये रिफ्लेक्टेड रे हो गई तो इंसिडेंट रे इस मिरर के लिए इंसिडेंट रे और नॉर्मल के बीच में एंगल एंगल ऑफ इंसिडेंस और रिफ्लेक्टेड रे और इंसिडेंट के बीच में एंगल एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन. तो हम कहेंगे एंगल टू इक्वल टू एंगल वन. क्लियर. अब देखो एंगल टू
इक्वल्स टू एंगल 3। ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल, ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल, कैसे हमने बताया कि डी पैरेलल टू सी एफ है, तो ये दोनों ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स हो गए 2 और 3। तो देखो फ्रॉम 2, 3 एंड 4 एंगल 1 एंगल 2 के इक्वल, एंगल 3 एंगल 4 के इक्वल और एंगल 2 एंगल 3 के ऊपर। तो हम कह सकते हैं एंगल 1 इक्वल टू एंगल 4। भाई 1 2 के इक्वल है, 2 3 के इक्वल है, 3 4 के इक्वल, तो 1 4 के इक्वल हो जाएगा। अब इसमें 2 का मल्टीप्लाई कर लेंगे, 2 एंगल 1 इक्वल टू 2 एंगल 4। 2 एंगल 1 को लिख सकते हैं हम एंगल 1 प्लस एंगल 1 इक्वल टू एंगल 4 प्लस एंगल 4। अगर हम ये प्रूव कर दें कि ये पूरा एंगल इस पूरे एंगल के इक्वल हो जाए, 1 प्लस 2 इक्वल टू 3 प्लस 4। अब देखो यहां से एंगल 1 प्लस एंगल 1 किसके इक्वल है, एंगल 2 के, तो एंगल 1 की जगह एंगल 2 लिख सकते हैं, एंगल 1 प्लस 2 इक्वल टू। एंगल 4 एंगल 3 के इक्वल है, तो एंगल 4 की जगह एंगल 3 लिख सकते हैं, 4 को 4 लेंगे, 1 प्लस 2 ये 3 प्लस 4, तो अल्टरनेट इंटीरियर एंगल इक्वल है, तो ये क्या हो गया, ये ट्रांसवर्सल हो गया, तो ये पैरेलल हो जाएंगे। हम लिखेंगे अल्टरनेट अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स आर इक्वल, देयरफोर AB parallel to CD। Alternate interior angles equal है तो क्या होगा? AB CD के parallel होगा। 6.7। Theorem 6.7 क्या है? The sum of the angles of a triangle is 180। Triangles के सभी angle का सम कितना होता है? 180। Suppose ABC is a triangle। अगर ABC एक triangle है, हमें पता है ट्राइंगल है 3 एंगल्स, दिस इज एंगल ए, दिस इज एंगल बी, दिस इज एंगल सी, देन सम ऑफ एंगल ऑफ ट्राइंगल, सम ऑफ ऑल एंगल्स ऑफ ट्राइंगल इक्वल्स टू 180। सम ऑफ ऑल एंगल, ऑल एंगल कितने हैं, 3 एंगल्स होते हैं, तो हम कह सकते हैं एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी इक्वल टू 180 डिग्री। यानी ट्राइंगल्स के सभी एंगल्स का सम कितना होता है, 180 डिग्री। द थ्योरम 6.8। थ्योरम 6.8 क्या है, इफ ए साइड ऑफ ए ट्राइंगल इज प्रोड्यूस्ड, कोई ट्राइंगल है उसकी एक साइड को प्रोड्यूस कर दिए यानी एक्सटेंड कर दिए जाए, देन द एक्सटीरियर एंगल सो फॉर्म्ड, ये ट्राइंगल है एबीसी, अगर हम इसकी बीसी साइड को एक्सटेंड कर दें, बढ़ा दें कहां तक, डी तक बढ़ा दिया, एक्सटेंड कर दिया, तो एक एक्सटीरियर एंगल बनेगा। इफ ए साइड ऑफ ए ट्राइंगल इज प्रोड्यूस, ट्राइंगल की एक साइड को प्रोड्यूस कर दिया जाए, बढ़ा दिया जाए, देन द एक्सटीरियर एंगल सो फॉर्म, तो जो एक्सटीरियर एंगल बनेगा दैट इज इक्वल टू सम ऑफ टू इंटीरियर अपोजिट एंगल। तो ये एक्सटीरियर एंगल, ये एक्सटीरियर एंगल ट्राइंगल के दो अपोजिट इंटीरियर एंगल के इक्वल होगा। इस एंगल के दो अपोजिट एंगल क्या होंगे, ये और ये तो होगा नहीं, ये तो करस्पॉन्डिंग एंगल होगा, अपोजिट एंगल क्या होंगे, ये, तो हम कह सकते हैं एंगल ए सी बी, एक्सटीरियर एंगल यही तो है, ए सी डी, ए सी डी इक्वल टू
एंगल बीएसी बी ए सी प्लस एंगल ए बी सी। अगर हम इसको मान लें एंगल वन, इसको एंगल टू, इसको एंगल थ्री, तो हम कह सकते हैं एंगल थ्री इक्वल्स टू एंगल वन प्लस एंगल टू। क्लियर? अगर ट्राइंगल की एक साइड को प्रोड्यूस कर दिया जाए, एक्सटेंड कर दिया जाए, बढ़ा दिया जाए, तो जो एक्सटीरियर एंगल बनेगा उसका वो दो अपोजिट इंटीरियर एंगल के सम के इक्वल होता है। दैट इज अवर थ्योरम 6.8।